सो हे गेमर्स, वेलकम बैक टू माय इंस गेमर यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आई होप यू आर ऑल गुड एंड फिट एंड फाइन। सो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BGMI को बैन को लेकर। तो अगर यार आपकी BGMI की आईडी आपने कुछ हैकिंग वगैरह नहीं करी फिर भी वो बैन हो गई है, या फिर आप कुछ ऐसी गलतियाँ करो जिससे आपका अकाउंट आगे चल के बैन हो सकता है, तो यार गेम के अंदर सिर्फ हैकिंग ही मेन रीज़न नहीं, और भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है जो कि यार BGMI वालों ने ऑलरेडी हमें बता रखे हैं। जिनको नहीं पता वो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आप इनमें से इन सारी गलतियों को करते तो आज से करना बंद कर दो, वरना आपका भी यार कोई भी जो मेन अकाउंट है यार, इतना ज़्यादा यूसी वगैरह इन्वेस्ट करते हो उसमें अच्छी अच्छी स्किन्स होती हैं, ओल्ड अकाउंट होता है कुछ लोग का, तो वो बैन ना हो, इसलिए ये गलतियां मत करो। तो ये सभी जो टॉप 10 रीजन बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाता है परमानेंट के लिए। तो गाइस यार, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट को मिस मत करना, वरना आप जो है अपनी आईडी से हाथ धो सकते हो अगर ये गलतियां कर रहे हो। सो गाइस चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार, बात करते हैं सबसे पहले रीजन के बारे में। तो हमारा यार पहला रीजन है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ गेम क्लाइंट सर्वर एंड गेम डेटा परमानेंट बैन। तो अगर यार अपने गेम के अंदर आप कुछ भी सर्वर या फिर गेम डेटा की फाइल के अंदर आप कुछ भी अलग से कॉन्फ़िग फाइल वगैरह डालते हो, जिसको आप देखा है आजकल लोग यूट्यूब पे कॉन्फ़िग फाइल डालते हैं, भाई ये कर लो उससे ये हो जाएगा, और एम असिस्ट वाला, ये भी एक तरीके का हैकिंग ही होता है। अगर आप गेम की कोई भी फाइल या सर्वर वाली फाइल में कुछ भी यार छेड़छाड़ करते हो, उसकी वजह से आपको परमानेंट बैन लग सकता है, ये बिल्कुल भी मत करो। बात करते हैं गाइस सेकंड मेन रीजन के बारे में, जो कि है एक्सप्लोटिंग बग्स एंड ग्लिचेस परमानेंट बैन। तो गाइस यार, आपके गेम के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी, मतलब जो मैप्स हैं आपके, एरेंगल मैप हो गया या कोई भी मैप हो गया, उसके अंदर कुछ ग्लिचेस या बग रहते हैं, जहाँ पे आप कोई ऐसे गड्ढे में जाके छुप जाते हो, वहाँ से आप दिखते नहीं हो, या फिर कोई ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ पे जाना पॉसिबल रहता है और आप कोई भी ग्लिच के जरिए उसके अंदर चले जाते हो और एनिमीज़ को मार देते हो। तो अगर आपको किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो आप परमानेंटली वहीं पर बैन हो जाओगे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी यूज़ मत करो अपने मेन अकाउंट के साथ, अगर आपको किसी ने देख लिया तो आप बैन हो जाओगे। ठीक है, यूज़ कर सकते हो फिर भी, बट अगर आपने किसी को स्ट्रिक के थ्रू मार दिया तो आपकी आईडी बैन होगी, ये तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं टीम किलिंग परमानेंट बैन। अब टीम किलिंग क्या है कि आपने टीममेट को साथ, जो आपका टीममेट है उसको आप अगर नेट वगैरह से या फिर गाड़ी को ब्लास्ट करें, तो किसी ना किसी तरीके से आपने टीममेट को जो है मार देते हो, किल कर देते हो गेम में, तो आपको वहाँ पे परमानेंट बैन मिल सकता है। तो गाइस ये चीज़ तो आप बिल्कुल भी मत करो। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे टीमिंग परमानेंट बैन। अब टीमिंग क्या है, मतलब टीमिंग मतलब आप जो टीम अप एनिमी से करते हो, जैसे आप गेम में अपने साथ उतरे हो और आपके पास एनिमी है और आपने उसके साथ टीम अप कर लिया, मतलब आपने कहा कि एक दूसरे को नहीं मारेंगे, तो ये चीज़ अगर किसी और बंदे ने देख ली और आपको रिपोर्ट किया तो आप परमानेंट वहीं पर बैन हो जाओगे। तो यार टीमिंग यार पहले भी अलाउ नहीं थी और अभी भी नहीं अलाउ है, बट BGMI ये रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए, इस वजह से ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करो। अब बात करते हैं गाइस अगला एक और, स्टार्किंग परमानेंट बैन। तो यार स्टार्किंग परमानेंट बैन क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो स्टार्किंग परमानेंट बैन मतलब कि गाइस, अगर आप फालतू में किसी का पीछा कर रहे हो, मतलब अपने टीममेट के एकदम पीछे ही पड़ गए हो, घुस गए, वो कहीं भी जा रहा है उसकी लूट लिए ले रहे हो, तो यार इतना मतलब वो नॉर्मली चलता है, बट आप ज़्यादा उसका पीछा करते हो, अगर वो आपको रिपोर्ट कर देता है कि भाई ये मेरे साथ अजीब व्यवहार कर रहा है, फालतू में पीछे पड़ गया है मतलब, तो गाइस इसके लिए भी आपको परमानेंट बैन मिल सकता है गाइस। तो ये भी एक छोटी छोटी मिस्टेक है जो आप करते हो, जिसकी वजह से आपकी आईडी बैन हो जाती है, या लिमिट से ज़्यादा करोगे तब ये चीज़ होगी। ठीक है, और एक और जो आपका छठा रीज़न है वो है अब्यूजिंग गेम में अगर आप करते हो बिला वजह किसी को, मतलब कोई भी रैंडम बंदा आपके साथ आया और आप देखते हो ऑल पे कितना ज़्यादा चलता है, तो ऑल पे तो कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट आप बिला वजह किसी को यार अब्यूज़ करते हो तो आपको परमानेंट बैन मिल सकता है गाइस। अब बात करते हैं अब्यूसिव यूज़ ऑफ AFK प्लेयर। यार ये भी काफ़ी माइनर सी बात है यार, अगर आपको गेम में कोई भी बंदा आपके साथ आया और वो आपकी गेम में ऑनलाइन तो है बट वो कोई मूवमेंट नहीं ले रहा है, और आप बिला वजह उसको परेशान कर रहे हो, उसको गाड़ी में उठा के जोन के बाहर पटक के आ रहे हो, या कुछ भी उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, जैसे कि बात करें वही टीम किलिंग उसी तरीके से ये भी है, तो अगर वो प्लेयर इस समय नहीं है बट आप उसको कोई भी छेड़छाड़ मत करो, अगर वो आया तो भाई उसने अगर तुमको रिपोर्ट कर दिया तो भी तुम्हें परमानेंट बैन मिल सकता है, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करो। अब अगला जो यार ये बहुत ही अलग है, ये काफ़ी कम लोग को पता है, तो इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ प्रोफाइल फोटो टेक्स्ट और इमेजेस इन प्रोफाइल फोटो यूज़ ऑफ समवन एल्स फोटो एटसेट्रा 90 डेज बैन। तो इसका मतलब गाइस ये कि अगर आपने कोई भी फोटो ऐसी यूज़ करते हो जो कि मतलब अच्छी नहीं है, मतलब गेम के रिगार्डिंग सही नहीं है, या उसके अंदर अजीब सा टेक्स्ट या कुछ भी ऐसा कुछ है, या फिर आप किसी और का फोटो यूज़ करके आप जो है ये काम कर रहे हो, उसने अगर रिपोर्ट करा तो आपको 90 दिन का बैन लग सकता है फोटो के ऊपर भी। तो यार अब से यार आप जो गलत सलत फोटो लगाते हो ना, अडल्ट फोटो, वो सब भी मत लगाना यार फालतू में, वरना तुम्हें 90 दिन का बैन मिलेगा, क्योंकि यार ये गेम है, इसको बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, हर टाइप के लोग खेलते हैं, तो इस पर इस टाइप की प्रोफाइल पिक्चर आप खेलते हो तो यार उससे थोड़ा गलत इफेक्ट पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना, वरना आपको बैन 90 डेज का बैन लग सकता है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं यार इन गेम
हैकिंग चीटिंग परमानेंट बैन क्विकली। तो यार इन गेम हैकिंग मतलब आपको पता ही, अगर आप गेम खेल रहे हो आपको किसी ने हैकर ने मार दिया तो आप फटाक से उसको रिपोर्ट कर दो। और आजकल आपको पता ही कि गेम के अंदर कितने ज़्यादा हैकर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं 2-3 बंदे तो उसको परमानेंट क्विकली वहीं पर बैन मिल जाएगा। मैंने भी कई आईडीज़ को बैन करवाया, मतलब मुझे मार दिया और मैंने रिपोर्ट किया तो उसकी आईडी उसी समय बैन हो जाती है। तो ये चीज़ करा करो, जैसे ही हैकर देखिए बैन करो, बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में हैकर वगैरह बैन होते कि नहीं। तो यार अगला जो हमारा लास्ट 10 वाला है वो है अब नॉर्मल पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन परमानेंट बैन। तो इसका मतलब ये गाइस, अगर आप यार गेम के अंदर फालतू में कोई अदर किसी का कार्ड या कार्डिंग वगैरह करके कोई भी पेमेंट सब्सक्रिप्शन को कुछ अजीब तरीके से लेने की कोशिश करते हो ग्लिच या कुछ भी तरीके से फ्री में या फिर कोई गलत सलत पेमेंट के थ्रू, तो आपको यहाँ पे परमानेंट बैन लग सकता है आपकी आईडी के ऊपर। तो ये चीज़ भी मत करो गाइस। तो यही थे गाइस आज के टॉप 10 ऐसे चीज़ें जो कि आपने गेम में करते हो। अगर आज से आप, अगर आप यार एक बार देख लो, अगर आपने इनमें से कोई भी पॉइंट में से कोई गलती करी, आपका आईडी बैन हुआ है, तो यार आप समझ जाओ कि भाई आपने कोई ना कोई गलती करी है। अगर इनमें से कोई भी गलती आपने नहीं करी, आपका अकाउंट बैन हुआ है, फिर भी यार उसके ऊपर आप अपना चाहते हो अकाउंट अनबैन हो जाए, तो उस अनबैन के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है, पहले अपनी गलतियां देखो कि मैंने कहां कोई कौन सी गलती करी कि नहीं करी है। और ये जो सभी मैंने पॉइंट्स बताए, इन सभी पॉइंट्स की वजह से आपका जो गेम है, गेम की जो आईडी है वो बैन हो जाती है। तो ये चीज़ें मत करो गेम के अंदर, अच्छे से खेलो, हैकिंग वगैरह मत करो भाई, इंजॉय करो गेम को। ज़्यादा हैकिंग करने से भी गेम बर्बाद हो जाती है, लोग छोड़ देते हैं, जो अच्छे जेन्युइन लोग हैं वो छोड़ देते हैं खेलना। तो ये सब मत करो गेम में यार, एंजॉय करो, अच्छे से खेलो बढ़िया से। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना अगर वो इस टाइप की गलतियाँ कर रहा है, क्योंकि यार आपको यूट्यूब पर इस टाइप की वीडियो नहीं मिलेगी जिस डिटेल में मैंने आपको बताया सारे पॉइंट्स नहीं कवर करे होंगे। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।